वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्र में आज 29 नए कोरोना संक्रमित मामले पाए गए। मृत्यु का आंकड़ा 896 पर स्थिर है। आज कुल 5 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और अभी 193 कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के विरार क्षेत्र के फुलबाड़ा में स्थित पुलिस और जनता के बीच हुई मोहल्ला कमेटी की मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग के माध्यम से जनता ने पुलिस कर्मियों को वहां पर हो रही तमाम दुर्व्यवस्थाओं से अवगत कराया, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मीरा भाईंदर के नौघर क्षेत्र में खुलेआम गुटखे की बिक्री शुरू है। नौघर क्षेत्र में आए दिन गुटखे पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, बावजूद उसके नौघर पुलिस स्टेशन के हद में पान की दुकानों पर, किराना की दुकानों पर खुले तौर पर और छुपे तौर पर गुटखा बेचा जा रहा है। गुटखा की हो रही बिक्री पर लोग पुलिस की कार्रवाई को शक की निगाहों से देख रहे हैं। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने जोगेश्वरी से मीरा भाईंदर में बेचे जाने के लिए लाए जा रही गांजे की एक खेप को आरोपी के साथ पकड़ा है। आरोपी के पास 4 किलो गांजा और लगभग 20,000 नकदी बरामद हुई है। मामले में काशी मीरा पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। स्टेशन अंतर्गत एक युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था। इस दौरान किसी को धक्का लगा, जिस पर आरोपी ने मृतक के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले में वाली पुलिस स्टेशन आगे की कार्रवाई कर रही है। मुख्य सड़क पर यहां वहां घूम रहे छुट्टा पशुओं के कारण जगह जगह लग रहा है ट्रैफिक जाम। यह हालत पालघर जिले के जहां सड़कों पर छुट्टा पशु घूमते हुए देखे जा सकते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी लंबा ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। मुंबई लोकल में यात्रा कर रही एक महिला की चैन छीनकर भाग रहे एक बदमाश से महिला पूरी तरह जूझ गई, जिसके बाद चोर अपनी जान छुड़ाने के लिए हाथापाई के दौरान महिला को धक्का दे दिया, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई हैं। मामले में वसई रेलवे पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पालघर जिले के बोईसर, वसई विरार और पालघर क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। आए दिन चोरों की तस्वीरें जगह जगह लगे कैमरों में कैद हो रही हैं। लॉकडाउन के बाद चोरी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। विरार में लोकल यात्रा के दौरान युवती पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और मामले में पुलिस जांच कर रही है। पालघर जिले में कार्य ठेका कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के पास मोर्चा निकाला। इसमें कर्मचारियों ने उन पर अन्याय होने की बात कही और उनकी मांगे पूरी किए जाने की मांग की। देश दुनिया की तमाम खबरें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेट्रो सिटी समाचार चैनल को।